गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप लोगों को पता है कि मुझे कुछ पुरानी चीजों से नया नया बनाने की आदत है, तो आज मैं बहुत दिन बाद अपना वीडियो बना पा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको स्वागत करूंगी प्रीति गार्मेंट पिक्स में। तो मैंने सबसे पहले एक ओल्ड मैंने सैनिटाइजर कैन ली है, बस उसको ऊपर से काट दिया है। तो अब मैंने इस पर अपना एक गेट का डिजाइन बनाया है। आज मैं बनाने वाली हूँ टोपिहारी। टोपिहारी उसको बोलते हैं किसी एक प्लांट को एक पर्टिकुलर शेप देना, चाहे तो आप उसको एक ट्री का शेप दें या फिर किसी एनिमल का शेप दें। सबसे बढ़िया मेरे को इस प्लांट को एक जेट प्लांट है जिसको हम किसी भी शेप में दे सकते हैं। तो ये मैंने ये भी जेट प्लांट अपना एक सीवेज पाइप में कटिंग करके लगाया हुआ है। तो ये इस तरीके से अच्छा सा लंबा सा जा रहा है और मैंने ये बोतल में लगाया हुआ है, वो भी इस तरीके से लंबा सा जा रहा है। तो अभी मैं इसका डिजाइन आपको बना के बताती हूँ। ये मेरा गेट का डिजाइन है और उसके ऊपर बनेगी मेरी टोपिहारी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने फ्री ड्रेनेज होल बना ही दिया है और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये पुराने कुछ टुकड़े मिट्टी के। और अब देखिए मैंने ये वायर ले रखा हुआ है, ये वायर। तो अब वायर से मैं शेप दूंगी, तो पहले मैं इसको वायर को इसमें फिट कर देती हूँ जिससे क्या है ना सेम पर्टिकुलर आ जाएगा और प्रॉपर अच्छे से अपना शेप आएगा। ये देखिए मैंने इसको अभी मैं इसमें डालूंगी, ये मैंने अपनी गार्डन सोयल ले रखी है। ये गार्डन सॉइल है, अब थोड़ी सी इसमें कंपोस्ट डाल देती हूँ। जेट प्लांट को कोई स्पेशल केयर की जरूरत नहीं पड़ती है। अपनी गार्डन सॉइल, अगर आपके पास गार्डन सॉइल ही अवेलेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप गार्डन सॉइल भी आराम से डाल के अपना जेट प्लांट लगा सकते हैं। तो ये हमारा ये इसका शेप बन गया है अच्छे से, अब ये इसमें सेट हो चुका है अच्छे से। अब देखिए मेरी कटिंग पहले से ही मैंने बहुत दिन पहले से लगा रखी थी तो इसकी लंबी लंबी कटिंग जा रही थी। तो अब मैं इस प्लांट को आपके सामने निकालने वाली हूँ। जेट प्लांट मेरा बहुत पुराना जेट प्लांट है ये, तो अब मैं इसको इसके अंदर रख रही हूँ अपने जेट प्लांट को। तो इसकी मदर सॉइल के साथ ही मैंने इसको इसमें सेट कर दिया है। अब ये यहाँ से मैं इसको ये देखिए इसका ये बन गया, यहाँ से अब मैं इसको बांध दूंगी। मैंने धागा अपना ये धागा ले लिया है, अब इस धागे से मैं इसको बांध देती हूँ। दो तीन जगह आप इसको बांध देंगे तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से बन चुका है और ये इसका सेफ गेट के ऊपर जो है हमारा नया अच्छे से सेफ बन जाएगा। ये मेरा दूसरा जो मैंने पहले से रेडी कर रखा था, तो इसको मैं निकालती हूँ, मदर सॉइल के साथ निकालूंगी जिससे ये प्लांट यही के यही अच्छे से सेट हो जाए। तो ये प्लांट मैंने ये भी निकाल लिया। अभी मैंने इसकी दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड भी मैंने इसमें इसको मैं लगा दूंगी अच्छे से। थोड़ा मैंने इसको ये देखिए इसको एक दो जगह आप धागे को अच्छे से, या आपके पास कोई छोटा वायर का पीस हो तो उसको भी लगा सकते हैं। देखिए मेरा अच्छे से तैयार हो गया है और मैं इसको आप दो तीन जगह मैंने अच्छे से बांध दिया है। ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए मैंने एक और बना के रखा है अपना एक जेट प्लांट जिसका मैं ट्री शेप दूंगी। आगे चल के आप मेरे वीडियो देखेंगे इसी तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। तो अब टिप का टाइम आ चुका है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने अपना गेट के डिजाइन पर ऑयल पेंट का यूज किया है, तो आप चाहे तो इस पर परमानेंट मार्कर का भी यूज कर सकते हैं और आराम से कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा मैं एक जरा सी बात और बताना भूल गई कि जो हमारा जेट प्लांट है इसको ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है, ओवर वाटर की वजह से इसकी पत्ते झड़ने लगती है। तो प्लीज ओवर वाटर से बचाइए, आपका जेट प्लांट अच्छे से हरा रहेगा। बाय।